बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बड़े भाई अब्दुल उमर शम से करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी आने के लिए। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। आजकल के ज़माने में जहाँ पे हर जगह कंपटीशन का दौर है, हर एक इंसान अपने करियर को लेके कंफ्यूज है, ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है टू कंडक्ट सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। सो इसके लिए मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि कुल हिंद तलबा मदारिस फोरम का, कि वो ऐसे काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहे हैं, इनसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट किए और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। अब मैं अपने टॉपिक पे बात करना चाहूँगा और टॉपिक हमारा है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है ये ऐसे प्रोग्राम हमें करने क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनका नाम है, उन्होंने कभी कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है। अगर उन्होंने एक एग्जांपल दिए थे, अगर आप एक फिश है, एक मछली है, अगर आप उनसे ये कहोगे कि दैट टू क्लाइंब ऑन एनी प्लेस एट एनी प्लेस, कि किसी पे आप चढ़ के बताओ, ठीक है, तो वो एक बार लोग आपको स्टूपिड समझेंगे, क्योंकि एक मछली की क्वालिटी है टू स्विम, उसको तैरना है। तो हमारे लिए बहुत ही हर एक इंसान हम में से एक यूनिक होता है, उसके अंदर एक यूनिक होता है, हमें उसी को, उसी टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसी के हिसाब से हमको जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन होता प्लान हम कुछ और करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी के हालात हमारे लिए कभी साजगार होते हैं तो हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, और कभी कभी नागवार होते हैं, हालात हमारा साथ नहीं देते, तो हम जो इंटरेस्ट होता है हमारा जिस चीज़ में, ठीक है, तो वो हम कर नहीं पाते हैं। जैसे हम में से जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि किसी भी लड़के से, अगर मैं किसी स्कूल में जाऊं और मैं उनसे ये पूछूं कि आपको क्या बनना है, तो उनमें से हर एक बच्चे का जवाब, मोस्टली बच्चों का जवाब आता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, यही कुछ जवाब हमें मिलते हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो हमें इन्हीं चीज़ों के लिए इनक्रेज करती है, ठीक है, हमारे टीचर भी हमें इन्हीं चीज़ों के लिए इनक्रेज करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या हमारा एप्टीट्यूड ऐसा है या नहीं है, क्या जो हम सोच रहे हैं वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। इसी वजह से हमको इस तरीके के प्रोग्राम कंडक्ट करने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे शायद ज़्यादातर बच्चे मदरसे से आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसी वजह से मैं उन्हीं लोगों को ज़्यादातर सामने रख के बातें करूँगा, और शायद कुछ बच्चे जो स्कूल स्ट्रीम से आ रहे हैं तो उनके लिए भी बातें मैं करूँगा इन सब चीज़ों के लिए। पहली चीज़ जो होती है, आप जो हमारा करियर गाइडेंस का जो इकोसिस्टम होता है ना, हमें उसको समझने की ज़रूरत होती है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हम किस चीज़ के काबिल हैं और किस चीज़ के काबिल नहीं हैं। जैसे हमारा सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने को डिस्कवरिंग सेल्फ, लाइक यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ यू आर हैविंग और पोजेसिंग राइट नाउ। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें होती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो। चाहे जो भी हो, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके दोस्त कभी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि यार आप इस चीज़ पे बहुत अच्छे हो, ये करो ये करो, ठीक है। तो आपको सेल्फ डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको डिस्कवर कीजिए कि हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी, आपका क्या है, देन गो फॉर द एजुकेशन। आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया कि मेरा कैलिबर इस तरीके का है, आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ पोटेंशियल्स, तो आपको उसी हिसाब से अपने को डिसाइड करना चाहिए एजुकेशन का। जब आपने अब उसने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आप एजुकेशन में चले गए, आप एजुकेशन भी ले लिया आपने, अब उसके बाद नाउ गो फॉर द स्किल्स। देखिए एजुकेशन जो होता है वो काफ़ी नहीं होता है किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आजकल जो दुनिया के जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इसी वजह से आगे हैं, क्योंकि वो स्किल्ड लोगों को ढूंढ रही हैं। इसी वजह से देखेंगे हमारे देश में भी स्किल्ड इंडिया के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम चल, एजुकेशन काफ़ी नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। हमारे पास डिग्रीज होती हैं, हज़ारों लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलते हैं, उनका करियर एक तरीके से सोचिए एक डार्क में चला जाता है। इसी वजह से आपके अंदर जब तक आप एजुकेशन ले रहे हो, आप अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करो।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि हम वो स्किल को डेवलप करें, दैट विल हेल्प इन आवर फ्यूचर लाइफ। तीसरी चौथी चीज़ जो हमारी होती है वो हमारी फैमिली होती है। हम लोग हमेशा ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन हम अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को हमेशा कंसीडर करो, हमेशा अपने साथ रखो। जैसे देखें कि जो बच्चे हैं लाइक मदरसा ड्रॉप आउट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं स्कूल के, हमारा ख्वाब होता है टू गो फॉर द MBBS और इंजीनियरिंग, लेकिन आपको पता है कि कितना टफ कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए। उसके लिए आपको बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने होते हैं, उनकी फ़ीस कितनी होती है। तो आप अपनी फैमिली को देखो, कैन योर फैमिली अफोर्ड दैट फीस, वो कर सकती है या नहीं कर सकती आप, आपकी फैमिली कितने साल तक आपको टाइम दे सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने मद्देनज़र रखना होगा, तभी आप एक अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं अपने लिए। जो लास्ट हमारा होता है वो सोसाइटी है। ठीक है, आपने सेल्फ डिस्कवरी कर ली, एजुकेशन भी ले लिया, स्किल भी कर ली आपने, और आपने ये सारी चीज़ें करी कीपिंग योर फैमिली इन माइंड। अब चौथी चीज, लास्ट वन, दैट इज़ दैट इज सोसाइटी, कि आप अपने सोसाइटी के लिए क्या कुछ करोगे। ये सारी चीज़ें आप हमेशा अपने जहन में मद्देनज़र रखने की कोशिश कीजिएगा। ना, अब मैं दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश करूँगा। वो भी पॉइंट समहाउ रिलेटेड टू दिस वन, वो भी इसी से रिलेटेड है। हमारे साथ इशू क्या होता है कि जो करियर काउंसलिंग है ना हमारा, वो एक इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आज आपने सोच लिया तो वो एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़, वो हमेशा चलता ही रहेगा आपके लिए, आप उसको किसी जगह पे ब्रेक नहीं कर सकते। और ये होता क्या है, कभी कभी हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम उस फील्ड में जाएं, कभी कभी ये होता है कि किसी ने कोई मोटिवेशनल स्पीच दी और कुछ कहा और हम वी आर लाइक चलो हम वी विल गो फॉर दैट वन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप अपने आप को करो। जैसे कि मदरसे के बच्चे जो होते हैं ना, जब तक वो मदरसे में होते हैं वो दे गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू इंग्लिश। अगर कोई बच्चा अगर मदरसे में है एंड ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश लाइक आई एम गोइंग हियर, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग दैट, तो वी डू कंसीडर दैट गाय एज अ वेरी लिटरेट पर्सन, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन, वी डू कंसीडर हिम। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आजकल के ज़माने में बिना इंग्लिश के कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी जगह पे जाओ ना, अगर एक उर्दू की जॉब के लिए भी जाओगे ना, आपका इंटरव्यूज जो होते हैं वो भी इंग्लिश में आपके साथ होते हैं। ये हमारे साथ एक ट्रेजेडी है। तो इंग्लिश, सारी चीज़ें रखने के साथ साथ आपको इंग्लिश को रखना पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर। कभी कभी दो तीन चीज़ें होती है हमें चूज़ करते वक्त, अपना करियर चूज़ करते वक्त दो तीन चीज़ें हमें अपने मद्देनज़र रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। जो पहली चीज़ होती है ना, हम में से हर एक टीचर जो भी होता है, क्लास टीचर है या कोई भी इंसान है, हमसे यही पूछता है कि व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। और हमारा जवाब सिर्फ यही होता है कि जो हमारे फेमस चीज़ें होती हैं, दैट इज़ गोइंग ऑन इन अवर सोसाइटी, जिसको सोसाइटी बहुत अच्छा समझती है, उन्हीं चीज़ों के लिए हमको जाने के लिए परस्यू करते हैं लोग, या फिर फोर्स करते हैं हमको लोग। ठीक है, या फिर सजेस्ट करते हैं। लेकिन जो भी आपको मशवरे देता है वो आपके हालात को नहीं जान रहा है कि आप किस जगह से आ रहे हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे करियर ऑप्शन हमारे लिए खुले होते हैं। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए कि उसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं हम, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम जो सोच रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम बहुत सारे प्लान करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी रिसोर्सेज की कमी होती है, कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कभी कभी सपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से मसले होते हैं हमारे साथ। हमारे साथ ये सारे मसले होते हैं। तो हमें बच्चों को ये ना पूछ के, जो भी आप कभी भी अपना करियर जब डिस्कस करने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, बल्कि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी नेचुरल एबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मेरा सोसाइटी ने हमको प्रेशर करती है, ठीक है, या फिर हमारा इंटरेस्ट अपने आप बिल्ड हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी और सम मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, उसने कहा कि आप चले जाओ लाइक फॉर MBBS कोर्सेज, फॉर MBA, इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, वो एबिलिटी है या नहीं है।
अगर आपने आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है और आप उस फील्ड में चले गए, तो फिर क्या होगा कि आपको हो सकता हो, ठीक है, एजुकेशनल ग्रोथ हो सकता है, आप एजुकेशनल सक्सेस हो सकता है। فإن هذا منزل حذرنا فيه شيطان जनाबे वाला शायद कुछ कह रहे हैं। माइक ऑफ करवा दीजिए उनका, डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ होती है हमारी पर्सनालिटी, कि ठीक है आपका इंटरेस्ट है, ठीक है रखिए आप उन सब चीज़ों को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट आपको लाइक आप जो चीज़ चाहते हो वो मिल ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट मिल जाए, कभी वो आप चाहते हो वो सब्जेक्ट मिल जाए, लेकिन कभी आपका स्कोर वैसा नहीं हो पाता है, ठीक है आप वो स्कोर नहीं ले ला पाते और आपका प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो पहले आप अपने अंदर की नेचुरल एबिलिटी को देखो आप। दूसरी चीज़ होती है हमारी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है हमारे लिए। जैसे मान के चलिए कि कोई बंदा है, वो एक एयरफोर्स में जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है और वो इंटरेस्टेड कर रहा है, नहीं यार उसका इंटरेस्ट है कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ आर्मी में जाऊँ, लेकिन नहीं है, तो बेकार है ना फिर उस तरीके का ऑप्शन रखना, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है द स्किल। मैंने कहा ना कि समहाउ रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, तो स्किल आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फिर आप अपने पास जाइए इंटरेस्ट को, ठीक है, तब आप अपना इंटरेस्ट लाइक आप तीनों चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद, लाइक योर एप्टीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, योर स्किल्स, तब आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन हम में से हर एक इंसान क्या करता है, हम उल्टी गिनती चलते हैं, हम लोग लाइक तो एक उल्टा रास्ता चलने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि हम इन सब ऐसे ना करके अपने आप को, हम क्या करते हैं, पहले हम अपने इंटरेस्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है इंटरेस्ट आपका है उसमें, लेकिन आपकी नेचुरल एबिलिटी वैसी नहीं है, आपका एप्टीट्यूड वैसा नहीं है। जैसे हम ऐसे मान के चले कि बहुत सारे लोग होंगे, हमें लगता है कि आप किसी से मिलेंगे, समबडी विल टेल यू कि दैट इकोनॉमिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड इंडीड इट इज़, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, ठीक है बहुत सारे स्कोप हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन सवाल यह है कि उस जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स का बेसिक भी नहीं पता है, तो फिर आप अगर उस कोर्स में जा रहे हो तो आप एग्ज़ाम तो पास कर जाओगे, ठीक है आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि हज़ारों लोग होंगे जो ऑलरेडी उस कोर्स को करके बैठे हुए हैं और एक अच्छा मार्क्स ला के बैठे हुए हैं। तो आप जब एक मार्केट में जाओगे, कहीं या कहीं पे भी अगर आप जाओगे, तो प्रेफरेंसेस किसे मिलेगी, उसी बंदे को मिलेगी, आपको नहीं मिल सकती। तो आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप उस पर जाने की कोशिश करो, हमेशा आप उसी चीज़ पर जाने की कोशिश करो, उससे हटने की कोशिश आप कभी मत करो, ठीक है। और जो हम एक चीज़ और मैं भी मेंशन करना चाहूँगा, हमारा एक ये होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम जिसको करना पसंद करते हैं, हम लाइक करते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे हम बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप वो काम करो जिसमें आपके फैमिली आपको सपोर्ट करें या दूसरे लोग आपको सपोर्ट करें। ये सारी चीज़ें आपको अपने मद्देनज़र रखनी होती है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, ठीक है पसंद आ सकती है कोई चीज़ें, लेकिन हमारे पास जेब में पैसे नहीं है उस चीज़ के लिए, क्या हम खरीद सकते हैं उसको, नहीं खरीद सकते हैं ना। तो इसी वजह से आप अपना इंटरेस्ट अपने साथ रखिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए कि आप किस चीज़ पे अच्छे हैं, किस में आप एक्सेल कर सकते हैं। जैसे हम में से अक्सर लोग ये होते हैं ना कि जब मदरसे से आते हैं ना, हमें लगता है कि इंग्लिश इज़ एवरी थिंग, सारी चीज़ें हमें लगता है यार अरबिक हम पढ़ के आए हैं, अरबिक में क्या करेंगे हम, वी ऑलरेडी नो दैट। ऐसा नहीं कीजिए, आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। देखिए कोई भी सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप। अगर आपको लगता है कि मेडिकल फील्ड है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी मेरे भाई उसमें बहुत हाई है, इतना आसान नहीं होता उसके लिए क्वालिफाई करना। अगर पर्शियन है, संस्कृत है, या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, उसमें क्या है, अगर उसमें लाइक करियर ग्रोथ कम है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है वैकेंसीज कम आती है, तो आपका कॉम्पिटिशन भी तो कम है ना वहाँ पर, तो आप इन सब चीज़ों के लिए जाने की कोशिश करो। और जो फैमिली है, आप फैमिली को बहुत हमेशा अपनी फैमिली को अपने मद्देनज़र रखो, ठीक है, क्योंकि जब हम मदरसे से निकल के आते हैं या फिर कहीं से भी, तो हमें लगता है कि हमारी एक फैमिली को आमतौर पर लाइक आई एम एड्रेसिंग पर्टिकुलरली टू द मदरसा स्टूडेंट्स, कि जब आप मदरसे से निकल के आते हो ना, आपके माँ बाप को, आपके वालिदैन को आपसे एक होप हो जाती है, आपको आपके माँ बाप को एक होप होती है, और वो ये होती है कि अब
लाइक ये कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। और आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे माँ बाप के लिए भी खुश लाइक अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो। तो इसी वजह से देखिए वहाँ पे जब तक मदरसे में होते हैं ना, हमें लगता है कि चलो ठीक है, जस्ट लाइक आलिम बन जाए, फाजिल बन जाए। तो यहाँ पे लेकिन जब यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है ना, बहुत ही वाइड होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर आप कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल की दुनिया में देखोगे, पहले ज़माने में एक टॉपर होता था, दो टॉपर होते थे, लेकिन आजकल क्या है ना, टॉपरों की भी कमी नहीं है, टॉपर्स खुद कन्फ्यूज हैं कि वट शुड दे डू, वो क्या करें। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीके के प्रोग्राम का करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बात मैं करूँगा कि जब बच्चे मदरसे से आते हैं या फिर कोई भी बच्चे हैं, जब वो ट्वेल्थ पास करके जब आप मेन स्ट्रीम में आते हो, ठीक है, एक स्कूल लाइफ को छोड़ के, एक कॉलेज लाइफ को छोड़ के, जब आप एक यूनिवर्सिटी की लाइफ में एंटर करते हो, तो आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप सोच लो कि देखो, करियर हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट अच्छा है, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं, कोई सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता है। जिसका जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, उसमें कॉम्पिटिशन भी हाई है, और जिसमें मार्केट वैल्यू कम है, तो उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई द इंटरेस्ट और बाय लाइक बाय या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कहने के बजाय, ठीक है, आप ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा, देखो जब आप प्लस टू करने के बाद आते हो, बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर जैसे ब्रिज कोर्स के अगर कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मेरी राय ये है कि आपका गोल दो तरीके का हो सकता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म, और हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब ये होता है कि आप में से पहले लोग हो जो आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट लर्नर जनरेशन लर्नर होता है ना, उनके लिए बहुत सारे तरह के चैलेंजेस होते हैं। कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस होती है, कभी कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, तो आप कभी जोश में आके सोचते हो कि यार ये बहुत अच्छा है, आप उसके लिए ऑप्ट करते हो, लेकिन आप उसमें दो साल तीन साल बिताने के बाद आप फिर रिग्रेट करते हो कि दैट वाई आई हैव सेलेक्टेड दैट, मैंने इसको क्यों लिया था। तो उससे पहले बेटर ये है कि आप अपने आप को देखो कि आप किस में बेहतर हो, किस में अच्छा कर सकते हो। देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि अगर आप जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, तो ज़्यादातर ऑप्शन आपके लिए साइंस के भी खुले हैं, सोशल साइंसेज के भी खुले हैं, आर्ट्स के भी खुले हैं, जो भी आपके लिए भी ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर आप दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए सोचोगे, ठीक है, या कंपनीज में काम करने के लिए। दूसरा ये होता है कि हमारा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करो। आप अपने साथ दो चीज़ें जहन में रखो, ठीक है, कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें जो लोवेस्ट क्राइटेरिया होता है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए, दैट इज़ बी एड, कम से कम अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर मतलब आप जाने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों के जवाब मैं लास्ट में दूंगा, जो भी सवाल होंगे आपके, हम मैं सबका जवाब आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग अपने सवाल अपने साथ रखें, मैं सबके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी बीच में थोड़ा सा अपने हैंड को रेज मत करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर दूसरी मैं ये कह रहा था कि आप साइंस में भी जा सकते हो, लेकिन सवाल ये होता है, आप नीट के लिए भी जा सकते हो, मे बी एस के लिए भी जा सकते हो, लेकिन सवाल ये होता है कि आपके पास उससे पहले नॉलेज है या नहीं है। हमारे पास आर्ट्स की डिग्री है, हमने से कर रखा, हम नीट के लिए नहीं जा सकते। हम उसके लिए हमें बायो होना ज़रूरी होता है, नहीं जा सकते हम उसके लिए। तो अब आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे MBBS करना चाहिए, तो आपका ये सोचना फजूल है। ठीक है। दूसरी चीज जो दैट इज टू इम्पोर्टेंट, और मैं भी उसका विक्टिम रहा हूँ, कि हम जब मदरसे से आते हैं ना, कभी कभी हमारी डिग्रीज का बहुत बड़ा इशू हो जाता है हमारे। ठीक है, बहुत बड़ा इशू होता है उन सब चीज़ों का। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो, तो आपकी डिग्री बलाए ताक रख दी जाती है, आपके अंदर का क्या टैलेंट है, आप उसको लेके आओ। वीडियो ऑन करने की जरूरत, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जा रहे हो, तो उसमें आपकी डिग्री बहुत ही केयरफुली चेक की जाती है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने 10th 12th नहीं किया है किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, या फिर मदरसा बोर्ड से, जो भी है, अगर आपने नहीं किया है, तो आप उसको ज़रूर जाइए कि पहले आप इसको कीजिए, देन इंटर इन मेन स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि आप बैक करो। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है उतना कि आप बैक करो उसके बाद फिर आओ। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आर्ट्स फील्ड और ह्यूमैनिटीज़,
और सोशल साइंस, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करें, बहुत ही अच्छे स्कोप है उसमें, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2-3 साल मेहनत करोगे उसमें, ठीक है, तो शायद ग्रेजुएशन करने के बाद ही आपको जॉब मिले। और ऐसा नहीं होता है कि पैकेजेस आपको बहुत कम मिलते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, कोई बुरा नहीं होता उसमें, कोई पैकेजेस मिले। हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं कि जो लाइक एम ए बी ए करने के बाद ही जॉब में लग गए, तो एम ए करने के बाद, ठीक है, और जिनको मतलब टीचिंग लाइफ लाइन में जाना था तो वो पी एच डी भी कर रहे हैं। अगर आप सोशल साइंस में जाते हो या फिर आर्ट्स के फील्ड में जाते हो तो प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, वही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो आप बी एड के लिए जाओ या फिर पी एच डी के लिए, ठीक है। तो अब बी एड करने के बाद आपके पास ऑप्शन ये होता है कि कुछ एग्जाम्स होते हैं उसको क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इतना आसान होता नहीं है। और फिर अगर आपके पास डिग्री का कोई इशू है, लाइक 10th या 12th अगर आपके पास किसी रिकग्नाइज बोर्ड से नहीं है, तो फिर वो और भी मुसीबतें आपके लिए खड़ी कर देती हैं, ठीक है, कि आप सारा टाइम अपने पूरे ग्रेजुएशन मेहनत से किया, लाइक बी एड किया, उसके बाद फिर आपने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए, लेकिन जॉब लेने की जब वक्त जॉब लेने के टाइम पर आपको जब स्क्रूटनाइज किया गया, एग्जामाइन किया गया आपकी डिग्री को, तो वहाँ से आपको हटा दिया जाए, जॉब ना दी जाए, तो शायद आप जिंदगी भर इसके लिए रिग्रेट करें। तो अगर आपके पास एक वैलिड है, वैलिड मींस कि वो एक्सपीरियंस है या रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप जो मेडिसिन की डिग्री यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती हैं, इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए होती है, आपको हायर एजुकेशन देने के लिए होती है, तो आपको जॉब में वो हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप जब तक आप हो तो 10th में हो या 12th में हो आप, तो 2 साल आप बैक करो, मेरा मशवरा यही है कि आप 2 साल बैक करके आओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि आप 2 साल का रिग्रेट होगा ना, 2 ही साल का नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उसको नहीं करके आते हो तो फिर ज़िंदगी भर नुकसान सहना पड़ेगा उस चीज़ का, ज़िंदगी भर उसको आपको इसका रिग्रेट होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आर्ट्स में जाएँ या सोशल साइंसेज में जाएँ, तो उसके दो तरीके, एक तो मैं एक तरीका तो ये होता है बीएड करके आप किसी स्कूल में या एक टीचर की पोजीशन के लिए आप जाओ, दूसरा ये होता है कि नहीं आप यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में जाओ, तो उसके लिए प्रोसेस बहुत ही लंबी होता है, बीए करने के बाद एमए करने होते हैं, फिर पीएचडी करना होता है, तो एक लंबी प्रोसेस है। अगर आपकी फैमिली, इसी वजह से मैंने कहा था ना शुरू में आप ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 2 साल के मास्टर्स होते हैं, 3 साल का बीए होता है, तो एक लंबी प्रोसेस है। अगर आपकी फैमिली वैसे आपको सपोर्ट नहीं कर सकती है तो आप इसके लिए नहीं जा सकते, तो आपके लिए बेटर ऐसे सिचुएशन में ये है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाओ, ठीक है, जैसे बीएसडब्ल्यू है, एमएसडब्ल्यू है, ठीक है, और हमारा बीएसडब्ल्यू बैचलर कोर्स है, एमएसडब्ल्यू हमारा मास्टर कोर्स है, या फिर आप जर्नलिज्म में जाओ, आप लॉ में जाओ, आप ब्यूमिस करो अगर आपके पास किसी की डिग्री है, तो इसमें आपके लिए ज़्यादा स्कोप खुलेंगे और आपको बहुत मौके मिलेंगे इन सब चीज़ों को करने के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, डिग्रीज के मसले होते हैं, अगर आपके पास वैलिड डिग्री है, वैलिड मीन्स कि आपके पास एक रिकग्नाइज बोर्ड से या फिर किसी गवर्नमेंट सरकारी मदरसे से अगर आपका है, तो फिर आप इन सब चीज़ों के लिए जाओ, ठीक है। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मतलब मैं बीए करने के बाद ही मुझे जॉब मिल जाए, तो फिर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करो, आप बहुत ही अच्छे स्कोप हैं उसमें, बहुत जल्दी प्लेसमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ आपको एक जल्दी आप एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि उसमें स्कोप नहीं है, स्कोप है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको ये सोच कर आप ये डिसाइड करो इस चीज़ के लिए कि आपकी फैमिली इतने देर तक वेट सकती है या नहीं कर सकती, अगर नहीं कर सकती है आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओ। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम इंग्लिश ले लेते हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज़ में आना और एग्ज़ाम पास करना ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, आप कर लोगे। जैसे आप हमने इंग्लिश को चूज़ किया ये सोचते हुए कि सोसाइटी हमें इंग्लिश जब आप बोलते हो ना, तो आपको सोसाइटी ये नहीं कहती है कि एक लैंग्वेज जानता है, दे कंसिडर यू एज अ वेल रेड पर्सन, वो इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं मानते, वो क्या करते हैं नॉलेज है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप चले गए, आपने एम ए भी कर लिया, बी ए भी कर लिया, लेकिन आप इंग्लिश बोल नहीं पाते, वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। और आप इन सब कोर्सेज के लिए जाते हो तो आपके साथ इंग्लिश के लिए है या दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश आपका, फिर क्या होता है आपका कंपेरिजन जो होता है, आपकी जो फाइट होती है वो स्कूल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ होने लगता है।
ऑलरेडी वो ऑलरेडी 12 साल स्पेंड करके आ रहे हैं इंग्लिश में, और आप 28 को पेपर खत्म से आ रहे हो, शायद आप इंग्लिश पढ़ के भी आ रहे हो आप, लेकिन आपके पास स्पीकिंग कर लो, आपके पास बहुत सारे नॉलेज है लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, तो आपको सोसाइटी क्या कहेगी, अरे यार इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है? तो आप ये सब चीजें ज़हन में रखो। दूसरी चीज इंग्लिश के रिगार्डिंग हम लोग रखते हैं ना, हमारे दो टाइप की इंग्लिश पढ़ाई जाती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे फ्लू हो गया या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, एक होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, दूसरा होता है लिटरेचर। हमारे नाम से आपको लगता होगा ना कम्युनिकेटिव है तो आपको पढ़ाने या बोल चाल से वो रिलेटेड होगा, हाँ रिलेटेड है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा देते, आपको क्या करते हैं थ्योरी ज़्यादा पढ़ा। तो आप ये सोच के अगर एडमिशन लेते हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में कि मुझे बोलना आ जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है? बहुत सारे डिफिकल्टीज आपके साथ आएंगे। अगर आपको सचमुच में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में इंग्लिश, तभी आप जाओ, ये सोच के मत जाओ या ये सोच के मत जाओ आपके किसी ने आपको कहा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोप है आप जाओ। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, कोई आपसे कहा कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आप जाओ, आप ये सोचो क्या आप उसको कवर कर पाओगे, आप फेस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आप ये चीज सोच के तब भी आपको सक्सेस मिल सकती है। एक चीज होती है ना, एक होता है एजुकेशनल सक्सेस, एक होता है हमारा करियर सक्सेस। आप एजुकेशनल सक्सेस आपको मिल सकता है, ठीक है, एजुकेशनल सक्सेस आपको मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, करियर सक्सेस। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को आपने देखा होगा कि वो जब बन जा आईएएस बन जाते हैं ना, तब अपनी मार्कशीट को शेयर करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि यार सेकंड डिवीज़न से मैट्रिक पास किया, हाई स्कूल सेकंड डिवीज़न से पास किया। अब देखो वो है कि आप एजुकेशनल सक्सेस पे मत जाओ कि टेंथ में उसने सेकंड डिवीज़न से पास किया, लेकिन वो देखो कि उनका करियर सक्सेस कितना हो रहा है। इसी वजह से किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने से पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आप किस में अच्छे हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप अरबिक में बहुत अच्छे हो तो आप अरबिक में ही जाओ, ठीक है, आप अरबिक में ही जाओ। अगर आपको लगता है कि आप उर्दू में बहुत अच्छे हो तो आप उर्दू में जाओ, बहुत अच्छा करोगे आप। लेकिन आप ये सोच के आ रहे हो कि आपकी अरबिक है बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि चलो इंग्लिश में चले जाएं, इंग्लिश आपको नहीं आती है, ठीक है, और लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसमें चले गए, तो शायद पछताना पड़ेगा आपको, हो सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप पछताओगे ही, हो सकता हो कि आपको पछताना पड़ जाए उस चीज़ के लिए, तो आप इन सब कोर्सेज के लिए जाओ। अब दूसरी चीज़ याद है ना, जैसे सोशल वर्क का हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, ठीक है, कि बहुत सारे, क्योंकि अब हमारा देश है, हम आमतौर पर जो हमारे लोग हैं हमारे देश में वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही जी रहे होते हैं। बहुत सारे NGOs है, नेशनल लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल की होती है, रीजनल लेवल की, लोकल लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो बीए करने के बाद एमए करने के बाद आपको जॉब मिल जाते हैं उन सब चीज़ों में, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश करके अगर आप जा रहे हो ना, तो ये सोच के जाओ कि आपको जो मार्केट जो वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, अगर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो आप, तो सिर्फ इंग्लिश के बेस पे आपको शायद के शायद लाइक 20,000, 25,000, 30,000 की सैलरी मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको, सिर्फ इंग्लिश के बेस पे जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो बीएड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, नो आइडिया अबाउट इट। अगर आपको इतना देर तक आप वेट कर सकते हो, आपकी फैमिली इतना देर तक वेट कर सकती है, तो आप ज़रूर जाओ इन सब चीज़ों में। आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाओ। आप कभी भी अपना जो है करियर किसी के कहने पर डिसाइड मत करो कि मुझे ये उसने ये कहा था इसी वजह से मैं इसमें जाऊँ, ऐसा मत करना कभी भी। आपकी जो खुद की पोटेंशियल है, आप आइडेंटिफाई करो कि आप मैं किस में अच्छा हूँ, ठीक है, किस काम के करने में मुझे सपोर्ट मिल सकता है। आपको चाहना किसी चीज़ का वो अच्छी चीज़ है, आप किसको पसंद करते हो दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन आप किस में अच्छे हो वो भी मैटर करता है। आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करो, हो सकता हो कि आपका इंटरेस्ट 4 से 5 चीज़ों में हो सकता है, 5 चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो कि यार मैं लॉ भी कर लूँ, लॉ भी अच्छा है मेरे लिए, फॉरेन लैंग्वेज भी अच्छा है, ठीक है, और सोशल वर्क भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, लेकिन उनमें से किसी एक पे ही आप अच्छे हो सकते हो। अगर लॉ करने जा रहे हो आप, तो शायद उसमें ये होगा क्योंकि उसमें जो भी बच्चे आ रहे होंगे ना वो भी लॉ से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, आप जो स्कूल से आ रहे हैं और आप दोनों बराबर हो जाओगे आप, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज में जा रहे हो, स्कूल से आ रहा है कोई या आप आ रहे हो, आप उसमें भी बराबर हो, तो आप में कॉम्पिटिशन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा आपके बीच में। लेकिन अगर आप किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो या आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, तो आपको वो लोग होंगे जो ऑलरेडी वो सब सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं और आप नए हो उस फील्ड में, ठीक है। तो कभी कभी आप क्या होता है, आपको लगता है कि आप कम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आप फाइट नहीं कर पा रहे हो अपने क्लासमेट से,
तो फिर वो बहुत ही मुश्किलें हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप इन सब चीज़ों को छोड़ के कि कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, किस सब्जेक्ट में स्कोप है, किस सब्जेक्ट में नहीं है, डोंट गो बाई दैट। आप उसके हिसाब से मत जाओ। अब अगर जो जाने की कोशिश करो वो ये देखो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे अगर मैं अभी आप बोलूँ कि आजकल की दुनिया में ना, जैसे कुछ सब लाइक मार्केटिंग है, ऐप डेवलपर है, डॉक्टर है, ये सारे प्रोफेशन है ना, इसके लिए हर एक इंसान जाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वो दरवाजे खुले तो नहीं है ना। तो हमारा ये सोचना बेकार है, हमारा ये सोचना बेकार है। तो आप अपने इंटरेस्ट को, जो भी चीज़ें हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें हो, लेकिन जो आपके हालात हैं वो उस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं देते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए मत जाओ। अब अगर किसी को कोई सवाल है किसी चीज़ से।